अब मैं पहले शिखर फोर वाले से पूछ लेता हूँ। शिखर फोर वाले जो बच्चे हैं अपने पास, आप ये बता दो मुझे कि आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया गया है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आपको कहाँ तक पढ़ाया गया है। ठीक है, कंपोनेंट तक, ठीक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और गुरुकुल वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा, उन्हें कहाँ तक पढ़ाया गया बेटा, गुरुकुल वाले बच्चे वेक्टर में कहाँ तक पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, गुरुकुल वालों ने मोशन इन 1D स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, वेक्टर स्टार्ट करूंगा कंपोनेंट से ही। ठीक है, इतनी बात, एक दो दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे। गुरुकुल वालों क्लियर है बात, गुरुकुल वालों मेरी बात क्लियर है तो क्लियर है, थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं आज, है ना, एक दो दिन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ने से पहले एक चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे पहले, बाद में उसके बाद हम तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मनन गोयल, डीपीपी वगैरह अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं डिस्कस करूंगा जैसे भी मुझे करनी होगी। ठीक है, तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पहले अब इस पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपकी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है तो मेरी बात पे ध्यान दो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेंगे, कंपोनेंट पढ़ने से पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना चाहेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में पहले हम सीखेंगे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इतनी बात, एक मिनट बेटा। सबसे पहले हम सीखेंगे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, चार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, यही तरीका है। अब देखो, एक मिनट, हमारे पास क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, देन रिजल्ट या तो स्केलर क्वांटिटी आए, कैसा आए, स्केलर, या रिजल्ट क्या आए, वेक्टर। देखो, आपके पास दो टाइप की क्वांटिटी है, एक स्केलर और एक वेक्टर, है ना। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इतनी बात, तो आपके पास रिजल्ट भी दो टाइप के आ सकते हैं भाई, या तो स्केलर क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई करने पे दो वेक्टर्स को, या दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है भाई, हमारे पास बेटा जिन्होंने कंपोनेंट पढ़ लिया है, थोड़ा सा गलत अप्रोच है, बगैर मल्टीप्लीकेशन पढ़े हुए आप कंपोनेंट नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे मत बताओ कैसे पढ़ाना है, आप पढ़ लो पहले एक बार, आपको अपने आप पता चलेगा कि हम कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, परेशान ना हो, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, कि स्केलर और एक वेक्टर, तो रिजल्ट भी हमारे पास जो आएगा, या तो स्केलर आएगा या क्या आएगा, वेक्टर आएगा। क्लियर है। अब जब स्केलर रिजल्ट आता है तो हम उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब रिजल्ट स्केलर आएगा तो उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट, और जब वेक्टर आएगा तो उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात, बात समझ में आ गई, अरे क्लियर है। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो,
अब इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सिंबल होता है दोनों वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, वो डॉट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंबल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या होता है, क्रॉस होता है। क्लियर है? ठीक है भाई। और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजल्ट वेक्टर आता है, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। ठीक है। अब और एक चीज और बता दूं, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, सेम स्क्रीन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों मेरी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, तो आप नोट नहीं करोगे? अब बता रहा हूं भाई, मैंने कहा दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी सिर्फ दो टाइप की होती है, क्वांटिटी कितने टाइप की है, दो टाइप की, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर भी तो दो ही टाइप के आएंगे, अगर दो क्वांटिटी हैं। ठीक है, इतनी बात, दो टाइप की क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी स्केलर होती है। अब किसी बच्चे का सवाल है कि ये दोनों क्यों आएंगे, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, स्केलर आएगा या तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यस और नो, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। टेंसर नहीं बेटा, टेंसर 11 12th में नहीं। ठीक है, फालतू ज्ञान मत बांटो मुझे टेंसर। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखना। हमारे पास एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी। ठीक है भाई, ये दो वेक्टर हैं। आपको कोई भी ऑपरेशन करना हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो आपको दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। पूरी तरीके से पता होने का मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या पता होना चाहिए, एंगल। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है दो वेक्टर के बीच में, तो आपको दोनों वेक्टर्स पूरी तरीके से पता होने चाहिए। पूरे तरीके से पता होने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए, एंगल। अब हमने स्केलर प्रोडक्ट बनाना है, मतलब स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्या रूल बनाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट सिंबल है इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, रिजल्ट स्केलर आना है इस वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो फॉर्मूला है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये आया हमारे पास। यस ओनो, ए बी कॉस थीटा, क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है भाई, मैथ्स में आप प्रूव करोगे जब आप वेक्टर पढ़ोगे। ठीक है, इतनी बात, अभी आप इसको प्रूव नहीं करोगे कि क्यों आया। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब एक और चीज देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए मैग्नीट्यूड है यानी कि स्केलर, बी मैग्नीट्यूड है यानी कि स्केलर, और कॉस थीटा एक नंबर होता है जो माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाई करता है, तो वो भी एक स्केलर है। मतलब ये जो रिजल्ट इस साइड में आ रहा है, राइट साइड में, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? ठीक है, इसलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा, और बीच में डॉट है इस वजह से हमने इसको क्या कहा, डॉट प्रोडक्ट कहा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब एक बात देखो, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में होती है, ये बात पता है आप लोगों को, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में होती है या नहीं होती, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वन है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। यस और नो? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं
ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी होगी, कब, जब कॉस थीटा माइनस वन होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस ए बी होगी, कब, जब कॉस थीटा प्लस वन होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। सबको क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, एक और चीज, ए डॉट बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा, दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब रुको एक मिनट, ठीक है, चलो अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब एक चीज और देखो, इतना हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपसे कहा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर था। इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका बी, और इनके बीच में एंगल कितना, थीटा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए का मैग्नीट्यूड ए, और अभी भी बी और ए के बीच में एंगल थीटा है, तो दिस वुड बी ऑल्सो कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ, ध्यान से देखो एक मिनट, ठीक है, अगर ऐसा है बेटा, तो अब मजेदार बात देखो, मैं ये लिख सकता हूं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं बेटा? ठीक है, और जब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 6th, 7th, 8th क्लास में कभी ना कभी मैथ्स में, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी ऐसा है, दो वेक्टर का सम और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इसको लिख सकते हैं हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको क्या कहेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यस और नो? लिख सकते हैं इतनी बात? एसोसिएटिव नहीं कहते बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलो, अब इतनी बात हो गई, ये तो आप जानते हो, ठीक है। आप सबने यूनिट वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे बता दो भाई, आप सबने यूनिट वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ है सबने यूनिट वेक्टर? ठीक है, बहुत बढ़िया। शिखर 4 ने भी पढ़ा हुआ है और गुरुकुल ने भी पढ़ा हुआ है। शिखर 4 यूनिट वेक्टर पढ़ा है सबने? ठीक है, चलो अब ध्यान देते हैं बेटा। अब देखो, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते क्यों हैं, जरूरत क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, किस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इतनी बात।
आप एक काम करो, डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है पहले उसको समझते हैं फिर देखेंगे। हमारे पास मान लो एक ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, इनके बीच में एंगल कितना, थीटा, ठीक है। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, बी का प्रोजेक्शन लेंथ पहले समझना, मैं बोल क्या रहा हूं और उसका क्या मतलब होता है वो भी बताऊंगा। मैं क्या जानना चाहता हूं, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ, ऑन ए वेक्टर, ये पर्पज है हमारा कि मैं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ जानना चाहता हूं ए वेक्टर पे। इसका मतलब क्या समझ लो पहले, ठीक है, इसका मतलब है आप ऐसे देखो, मान लो ये ए वेक्टर ग्राउंड के अलोंग है, ए वेक्टर किसके अलोंग है, ग्राउंड के अलोंग, क्लियर इतनी बात, ए वेक्टर जमीन पे है, ठीक है, ए वेक्टर जमीन पे है और सन हमारा नून पोजिशन पे है, मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है, इतनी बात, सन हमारा नून पोजिशन पे है। तो अब क्या कहानी आएगी, सन अगर हमारा नून पोजीशन पे है तो अगर मैं परछाई देखना चाहूं किसकी, बी वेक्टर की ए के ऊपर, शेडो देखना चाहूं बी वेक्टर की ए के ऊपर शेडो, तो शेडो इतनी लेंथ की आएगी कि नहीं आएगी पहले बताओ मुझे, ये जो येलो कलर से बना रहा हूं मैं, ये येलो कलर से बना रहा हूं, यही आएगी शेडो की नहीं, जरा बताओ मुझे, यस ओ नो, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। तो ये जो येलो कलर वाली लेंथ आई इसको हम कहते हैं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ ए वेक्टर पे, ये लेंथ है, ठीक है, इतनी बात, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ ऑन ए वेक्टर, क्लियर इतनी बात, अगर क्लियर है तो यस लिखो। और मुझे यही निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट का काम ही यही है कि आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन लेंथ, ठीक है इतनी बात, ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक। अब सुनो भाई कैसे करेंगे, अब हम इस चीज को देखते हैं एक मिनट। अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और इनके बीच में एंगल थीटा। अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यही किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के भी, ये बात तो आपको पता है, यस ओ नो, यस ओ नो, जल्दी बताओ भाई, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब इतनी बात आपको आती है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, निकालना है प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है, बी की प्रोजेक्शन लेंथ ए वेक्टर के ऊपर। इसको डिनोट किससे करते हैं, ये लेंथ है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है बी ऑन ए, ये एक लेंथ है, इसको डिनोट किससे करेंगे, बी किसके ऊपर, ए के ऊपर, बी ऑन ए, अगर क्लियर है तो यस लिख दो बेटा, अगर क्लियर है तो यस लिख दो, इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ठीक है इतनी बात। चलो अब जरा देखो एक मिनट, ये मुझे निकालना है, अब निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर गिराएं, ए के ऊपर बी से गिरा दिया हमने परपेंडिकुलर। अब ये जो येलो वाली लेंथ है, ये हमारा क्या हो गया, बी ऑन ए, ये लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, यस ओ नो, येलो वाला बी ऑन ए आ गया कि नहीं आ गया, इसको निकालना है हमें।
अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब कैसे निकालेंगे बता रहा हूं अभी आपको। बी ऑन ए बेटा लेंथ है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? बी ऑन ए इज लेंथ, देयरफॉर इट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, फिर मैं निकालना शुरू करता हूं इसे, ठीक है। बस बस अब मत लिखो, अब देखो कैसे निकालूंगा। आप एक काम करो, आप अगर यहां पर देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यस लिखो फटाफट, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो आप देखो, आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वाली लेंथ कितनी है, बी ऑन ए अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फिर हमें क्या पता चल रहा है कि यहां से दिख रहा है कि बी ऑन ए कम्स आउट टू बी, जरा देखो बी ऑन ए किसके बराबर आ गया, बी कॉस थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, यस ऑर नो, जल्दी बताओ भाई, लिख सकता हूं, ठीक है, बी कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप एक काम करो, रुक जाओ, अब कुछ मत बोलो, सुनो, आप ऐसे देखो, मुझे ये वैल्यू निकालनी है बी कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं जरा देखना, इसको देखो और इसको देखो, आपको निकालना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बी डॉट ए अपॉन ए, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बेटा, जल्दी बताऊं, ये बात अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। मैंने वहां से ए उतार के इसके नीचे रख दिया तो मेरे पास बचा क्या, सनन, क्या चीज क्लियर नहीं है सनन, जल्दी बताओ क्या क्लियर नहीं है बेटा आपको? चलो रुक जाओ, मैं दोबारा पूछ लेता हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, सनन रुक जाओ, ये स्टेप क्लियर है, पहले यहां देखो, अगर ये स्टेप क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ये वाला तिशा गुप्ता और सनन, ये स्टेप क्लियर है तो यस लिखो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था एक, तो कॉस थीटा इज बेस वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, अरे यस ओ नो, सनन ये बात क्लियर है, ठीक है, अब रुको, तो ये स्टेप तो क्लियर है, तो मुझे निकालना क्या था, बी ऑन ए, ये वाली लेंथ चाहिए थी, तो बी ऑन ए को क्या लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन लेंथ को क्या लिख सकता हूं, इस बी को इधर भेज दिया, बी कॉस थीटा, सनन ये बात क्लियर है कि नहीं है, सनन और तिशा, सनन भाई ठीक है, अब तो बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, बी कॉस थीटा निकालना है, सनन निकालना है बी कॉस थीटा, अब आप एक काम करो, इसको देखो, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, आपको निकालना क्या है, बी कॉस थीटा, तो इस ए को आप यहां नीचे ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, पहले बताओ, सनन और तिशा ला सकते हो, तो मैं ले आया, मैंने क्या लिखा, बी ऑन ए इज इक्वल टू बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं। अब और मजेदार बात देखो बेवकूफों, बी ऑन ए ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, ये तो बी वेक्टर है, डॉट ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, जल्दी बताओ, यूनिट वेक्टर होता है या नहीं होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता है, यानी कि ए कैप
क्या हो गया, ए कैप। यस और नो, सबको क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब मजेदार बात देखो, क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया कि बी ऑन ए वेक्टर किसके बराबर हो गया, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, उन दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट। मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है वो वाला वेक्टर और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यस और नो, यस और नो भाई, बात समझ में आ गई सबको? देखो भाई, आप एक बात बताओ, मुझे B का वेक्टर, चलो मैं दोबारा बता देता हूं, रुक जाओ, मैं दोबारा बता देता हूं, परेशान मत हो, यहां तक आप सबको क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सब लोग कह रहे थे हमने वेक्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा है फिर, अगर आपको ये बात नहीं पता है। देखो यहां तक सबको क्लियर है ना, चलो इस स्टेप में कोई दिक्कत है पहले बताओ, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले ये बताओ सिर्फ, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्यों दीक्षांत, क्या दीक्षांत क्या दिक्कत है, दीक्षांत ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ मुझे। अच्छा, बाय होल क्यों नहीं डिवाइड करा, मुस्कान मुझे कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलती। एक चीज देखो, पहले तो मैथ्स में हम वैसा ही करना चाहेंगे जिससे मुझे कोई आगे फर्दर क्वांटिटी मिले, अगर मुझे मिलती नहीं कोई क्वांटिटी तो मैं क्यों करूंगा ऐसा। बच्चे मुस्कान, मुझे बी डॉट ए अपॉन ए कुछ नहीं मिलता है, कोई फॉर्मल क्वांटिटी नहीं लिख सकता मैं, ठीक है इतनी बात। अब साइना चौधरी बेटा, ऐसी कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अब क्या कहानी है, तो अगर मुझे बी डॉट ए अपॉन ए कुछ नहीं मिलता तो मैं ए वेक्टर अपॉन ए लिख देता हूं, क्योंकि मुझे इससे आगे एक क्वांटिटी मिलती है, क्या मिलता है, ए वेक्टर अपॉन ए। भाई आपके पास ऐसे लिखा है 2 × 3 / 6, ठीक है इतनी बात, सॉरी रुको एक मिनट, 14 × 3 / 7, तो मैं 7 को इसके नीचे डाल दूं ज्यादा अच्छा नहीं है, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना, या मैं 3 को पहले 7 से डिवाइड करूं फिर 14 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे ज्यादा बेटर तो 14 को 7 से डिवाइड कर दूं बच्चों, ठीक है। तो मुझे कोई फर्दर क्वांटिटी नहीं मिलती तो इसलिए मैं वो काम करूंगा ही नहीं। अब मुझे एक क्वांटिटी मिलती है, क्या, ए वेक्टर अपॉन ए, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ, होता है यूनिट वेक्टर, तो मैंने उसको लिख दिया ए कैप। अब मजेदार बात देखो, अब आपको एक फॉर्मूला बन गया, अगर आपको प्रोजेक्शन लेंथ निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ निकालना है वो वाला वेक्टर और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यस और नो, बन गया फॉर्मूला, और देखो ये अभी बी कॉस थीटा है, देखो बी का मैग्नीट्यूड बी, ए कैप का 1, और बी और ए कैप के बीच में एंगल कितना है, बी और ए कैप के बीच में एंगल कितना, जल्दी बताओ, थीटा, तो बी कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों। मुस्कान, मुस्कान बात क्लियर है, दीक्षांत ठीक है, चलो सबको क्लियर, बढ़िया। अब देखो एक मिनट, हाँ अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, इतनी बात हो गई हमारे पास, ध्यान सुनो, ये तो आ गया प्रोजेक्शन लेंथ बी ऑन ए, मतलब बी वेक्टर का लेंथ किसके ऊपर, ए के ऊपर, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, वो प्रूफ नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाला गया था, उस ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म को मैंने किसके टर्म में रखा, वेक्टर्स के टर्म में, बात समझ में आई। हाँ, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन लेंथ एक ही होता है, उसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं, हरसिमरन ठीक है भाई। देखो मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं तो मैं सारी चीजें वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये क्या है, वेक्टर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस भाई को भी, ये जो बी ऑन ए है ये अभी तक क्या है, लेंथ है, अभी तक ये वेक्टर नहीं है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, इसको मैं वेक्टर बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या दे दूं, एरो दे दूं, ऐसे दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं,
अगर ये एरो दे दिया तो इसको डायरेक्शन दे दी इधर की तरफ, किधर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ, तो अब ये एक वेक्टर बन गया, बी ऑन ए वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, पहले बताओ मुझे, बन गया बेटा कि नहीं, जल्दी बताओ, बन गया बच्चों। अब ये वेक्टर बन गया, अब मजेदार बात देखो, ये अगर वेक्टर बन गया ठीक है इतनी बात, तो हमारे पास क्या आया, बी ऑन ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी ऑन ए, यही है इसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड इतना ही है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे, ठीक है ये मैग्नीट्यूड है। अब एक बात बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है जल्दी बताओ, डायरेक्शन किधर की तरफ है, ए कैप, बिल्कुल सही बात है, ए वेक्टर के अलोंग है, तो मैग्नीट्यूड को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, तो ये बी ऑन ए वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई और ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट, वाई लिखो, यस भी लिखने की जरूरत नहीं, वाई लिख दिया करो, बहुत होता है अपना। तो मैंने क्या करा, मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी डायरेक्शन से, तो क्या आ गया, वेक्टर आ गया, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम वंस अगेन लास्ट स्टेप, अमन अमन देखो भाई, ये था मैग्नीट्यूड ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करा वेक्टर में, तो इसको डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन कैसे दे दी, ग्रीन वाला ये जो एरो है, एक बात बता अमन, ये ग्रीन वाला एरो किस डायरेक्शन में है, ग्रीन वाला एरो किस डायरेक्शन में, अमन जल्दी बता, अमन ग्रीन वाला एरो किस डायरेक्शन में बेटा, अमन अमन मैं बोल रहा हूं किस डायरेक्शन में है, बता दे जरा फटाफट, किसकी डायरेक्शन में है, ए के अलोंग ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको वेक्टर लिखना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है और उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैग्नीट्यूड तो बी ऑन ए है और डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर कौन सा, ए कैप, तो ये वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ मुझे, अमन अमन ठीक है, चलो अब सबको क्लियर है। अब हम सेम काम करते हैं, ए का प्रोजेक्शन लेंथ निकालते हैं बी के ऊपर, ये काम कर लेते हैं ठीक है भाई, तो ए का प्रोजेक्शन लेंथ बी के ऊपर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी, इनके बीच में एंगल थीटा। अब मुझे ए का प्रोजेक्शन लेना है बी के ऊपर, तो मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बी के ऊपर, अब देखो ये जो येलो वाली लेंथ है ये हमारा हो गया ए ऑन बी, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, लेक्चर की वीडियो भी मिलेगी बेटा, चिंता ना करो ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी और लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो ठीक है, ज्यादा बेटर होता नोट्स मिलें, वीडियोस का कोई पर्पज होता नहीं है, बेवकूफी होती है ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए का प्रोजेक्शन लेंथ बी पे आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, तो क्या लिख रहे हैं, ए ऑन बी इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यस ऑर नो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज देखो, हो गया ये, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, तो ये हो गया बेस ए ऑन बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये लेंथ कितनी, ए, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, तो अब मुझे ए ऑन बी चाहिए, तो ए ऑन बी हो गया ए कॉस थीटा, यहां तक सबको क्लियर है
अगर सबको क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। सबको क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब जरा देखो, हमने एक बात पढ़ी हुई है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है? ये फॉर्मूला पता है हमें, हमें क्या निकालना है? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन बी, हाँ या ना? लिख सकता हूं भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ए ऑन बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। आ गया। ए कॉस थीटा क्या था, ए ऑन बी था कि नहीं था? बच्चों है या नहीं पहले बताओ मुझे। अब एक बात बताओ, देखो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड इज व्हाट, बी कैप। वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड इज व्हाट, बी कैप, यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि ए ऑन बी, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी इज वेक्टर ए डॉट बी कैप। यही बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसका वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालना है उसका क्या, यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यस और नो? यही फॉर्मूला पहले भी बनाया था, पहले बी का निकालना था ए के ऊपर तो बी डॉट ए कैप, अब निकालना है ए का बी के ऊपर तो ए डॉट बी कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वेक्टर के फॉर्मेट में चीजों को निकालना है, क्लियर है? ठीक है, अब ये कहानी आ गई, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो एन लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया, अब मजेदार बात देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ए ऑन बी को क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। तो मैं इस ए ऑन बी के ऊपर क्या लगा देता हूं, एरो लगा देता हूं ऐसे ब्लू कलर से, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया पहले बताओ, यस और नो? वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बन गया, बहुत बढ़िया। अब ये वेक्टर बन गया, ठीक है, अब अगर ये वेक्टर बन गया, ठीक है इतनी बात, तो अब देखो आप, ये जो वेक्टर बना है ए ऑन बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए ऑन बी, ये मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन किधर है, जल्दी बताओ, डायरेक्शन किधर की तरफ डायरेक्टेड है, बी कैप, बिल्कुल सही बात। तो क्या हो जाएगा ये, बी कैप, मानते हो या नहीं मानते हो? सबको क्लियर है बातें? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं, जैसे गुरुकुल वाले हैं वो थोड़ा बहुत बोर हुए होंगे, हुए बोर आज की क्लास में, गुरुकुल वाले बोर हुए हो कि नहीं बोर हुए? वंश राणा नहीं, आदर्श त्रिपाठी बोर हुआ है तो बेचारा क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, दो तीन दिन झेल लो, आपको पता चलेगा कि आपके लिए बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप क्वेश्चन वेक्टर के कर ही नहीं पाओगे, ठीक है इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा क्या क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। बड़ी तेज सिलेबस चलेगा, आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे और क्या कहते हैं वीडियो भी मिल जाएंगे, आप चिंता ना करो उस बात के लिए, ठीक है इतनी बात। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो अब मैं थोड़ा सा और मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं ताकि बोर ना हो। और शिखर फोर वाले बोर हुए कि नहीं, शिखर फोर वाले तुम तो बोर नहीं हुए? नहीं हुए, देखो शिखर फोर वालों को मजा आया क्योंकि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है, और कुछ निकम में जो शिखर वन टू थ्री से आए हैं वो बोर हुए होंगे, है ना? हाँ तो बेटा वो तो तुम्हारी गलती है ना, तुम वन टू थ्री से इधर क्यों कूदे थे, ठीक है अब यहीं रहना, अब कहीं मत जाना, दो तीन दिन बोर हो लो ज्यादा अच्छा है,
नहीं तो वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है हरकीरत, ऋत्विज, हरकीरत, ऋत्विज, बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? अरे रिप्लाई करो गधों, देखना रिप्लाई नहीं करते। अरे मैं हरकीरत ऋत्विज को कह रहा हूं। हाँ ठीक है, तो जो तुमने पाप किए थे उसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। ठीक है, उस वक्त पढ़ाई नहीं करी थी, अब कर लो, क्योंकि अब बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है, ढंग से पढ़ लो। 11, 12 के चक्कर में कतई मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, आप तुरंत नोट्स बनाओ, ठीक है, और तुरंत काम करो। बात समझ में आ रही है? चलो अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर क्या है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो सबसे पहले दो वेक्टर हम बना लेते हैं, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास ये है ए, और एक वेक्टर है ये बी। अब जो लोग कह रहे थे हम बोर हुए, उनको थोड़ा सा उनसे कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तब पता चलेगा उन्हें कितना पता है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, और इनके बीच में एंगल। तो अब गुरुकुल वालों तुम बताओ भाई, ठीक है तुम लोग बताओ फटाफट, इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है या नहीं है, थीटा है या नहीं, जल्दी बताओ, है ठीक है। अब ये है 360 माइनस थीटा, क्या ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? वासु सिंगला नो सर, मानिक गुप्ता नो सर, वंश चौधरी नो सर, गुरुकुल वाले से पूछ रहा हूं, गुरुकुल वालों से, जनक नो, और कोई जो नो कहना चाहते हैं वो बता दो। बेटा ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, पहले ध्यान रखना, ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की डेफिनेशन थी दोनों वेक्टर के इनिशियल के बीच का एंगल या दोनों वेक्टर्स के फाइनल्स के बीच का एंगल, चाहे वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, दोनों एंगल। बेटा डेफिनेशन है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज बिटवीन इनिशियल्स ऑफ वेक्टर, जैसे ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के ये इनिशियल है, तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों से रिजल्ट सारे क्या आते हैं, सेम आते हैं। बिटवीन फाइनल्स ऑफ वेक्टर ये थीटा है, तो ये भी एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, बात समझ में आ रही है? ठीक, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब चलो ये बात हो गई, तो हमेशा ध्यान रखना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ नहीं बेटा, ये डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा दोनों वेक्टर के इनिशियल के बीच का एंगल होगा या फाइनल के बीच का एंगल होगा, ये नहीं बोला गया कि छोटा वाला एंगल लो, ठीक है इतनी बात। टेल टेल के बीच का एंगल या फाइनल फाइनल के बीच का एंगल, जो भी होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, चाहे वो बड़ा वाला एंगल हो चाहे छोटा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो भाई, अब वो क्या कहता है, ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर आएगा, इट इज पी वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, पी वेक्टर। अब हमारा पर्पस क्या है, अगर वेक्टर आता है तो मुझे पी वेक्टर का क्या चाहिए, दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, और इसका क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन। अब एक चीज और बता दूं, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सिंबल है बीच में वो कैसा है, सिंबल जो है वो कैसा है, क्रॉस है या नहीं है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, चलो आज यहीं रोकेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है इतनी बात, कल बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, कोई डाउट इसमें? हिमांक, मैंने कहा
चलो कल तो रिपीट करूंगा, चिंता मत करो इमाम, ठीक है कल रिपीट करेंगे इसे।